आज से अमेरिका की 3 दिवसीय यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चौथे क्वाड समिट और यूएनजीए की मीटिंग में शिरकत करेंगे पीएम मोदी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन करेंगे समिट की मेजबानी। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। क्वाड के नेताओं के जरिए पिछले एक साल में हासिल की गई प्रगति की समीक्षा के साथ आगे का प्लान किया जाएगा तय। इंडो पैसिफिक क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए अहम साबित होगा क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन। शिखर सम्मेलन में भारत समेत अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के लीडर्स भी होंगे शामिल। डेलावेयर के विल्मिंगटन में क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन का आयोजन। भारतीय मूल के लोग पीएम से करेंगे मुलाकात। अमेरिकी कंपनीज के सीईओ से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। क्वाड शिखर सम्मेलन में बड़ी संख्या में वैश्विक नेताओं के भाग लेने की उम्मीद। शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी कई विश्व नेताओं के साथ भी करेंगे द्विपक्षीय बैठकें। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार अभियान ने पकड़ी रफ्तार। ताबड़तोड़ रैलियों के लिए तीसरी बार जम्मू कश्मीर पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह। जम्मू कश्मीर के 3 जिलों में 5 सार्वजनिक रैलियों को संबोधित करेंगे गृहमंत्री शाह। मेंढर, पुंछ, अखनूर, थानामंडी और रजौरी में हुंकार भरेंगे गृहमंत्री। धुआंधार रैलियों के बाद रविवार को नौशेरा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करेंगे गृहमंत्री शाह। बीजेपी प्रत्याशी रविंद्र रैना के समर्थन में करेंगे कैंपेन। गृहमंत्री अमित शाह की चुनावी रैलियों को लेकर घाटी में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल ने बढ़ाई निगरानी। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम ताराचंद के लिए खौर में आज कैंपेन करेंगे कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे। जम्मू में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। राष्ट्रपति ने स्वीकार किया अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा। 5 मंत्रियों के साथ आज दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे आतिशी मार लेना। सूत्रों के हवाले से खबर, आज शाम 4:30 बजे आतिशी मारलेना का शपथ ग्रहण समारोह। दिल्ली की सबसे युवा सीएम बनेंगी आतिशी। आतिशी कैबिनेट में 4 पुराने चेहरों के साथ एक नया नाम, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत, गोपाल राय, इमरान हुसैन और मुकेश अहलावत का नया नाम शामिल। 22 सितंबर को दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार की रणनीति में जुटेंगे अरविंद केजरीवाल। आपके सभी मंत्री, विधायक और कार्यकर्ता रहेंगे मौजूद। 22 सितंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर जनता की अदालत लगाएंगे अरविंद केजरीवाल। दिल्ली वासियों के सामने रखेंगे आपका विजन, बीजेपी के खिलाफ खोलेंगे मोर्चा। झारखंड के गढ़वा में बीजेपी की परिवर्तन सहा संकल्प यात्रा को आज हरी झंडी दिखाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। हेमंत सरकार की विफलताओं को जनता के सामने रखना बीजेपी का लक्ष्य। झारखंड के सरकारी कर्मचारी, पेंशनधारियों और किसानों के हित में हेमंत सरकार ने लिए बड़े फैसले। 36 प्रस्ताव पर झारखंड कैबिनेट की लगी मुहर। सरकारी कर्मचारी की महंगाई भत्ते में 16% की वृद्धि। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि 1 जनवरी 2024 से ही लागू होगा। झारखंड में सीजीएल परीक्षा को लेकर आज और कल 5 घंटे तक बंद रहेगा मोबाइल इंटरनेट। भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए लिया गया फैसला। झारखंड सीमा सील करने पर चौतरफा घिरी सीएम ममता बनर्जी। बंगाल के राज्यपाल ने कारण बताओ के दिए निर्देश। झारखंड में गिरिडीह में गृहमंत्री अमित शाह ने बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का किया शुभारंभ। कहा, जिले में घर घर जाएगी बीजेपी की परिवर्तन यात्रा। अमित शाह ने झारखंड में उठाया घुसपैठियों का मुद्दा। कहा, इसी तरह चलता रहा तो 30 साल में बहुमत में आ जाएंगे घुसपैठिए। हम घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे। देश में बीजेपी के सदस्यता अभियान को मिली बड़ी कामयाबी। 18 दिनों में बीजेपी ने बनाए 4 करोड़ नए सदस्य। यूपी में बने 2 करोड़ नए सदस्य। हरियाणा के यमुनानगर जगाधरी में अरविंद केजरीवाल ने किया रोड शो। बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, फर्जी केस में जेल रखकर किया गया मुझे तोड़ने का प्रयास। यमुनानगर जगाधरी में केजरीवाल ने रैली को किया संबोधित। कहा, मैं चोर हूं तो मत देना वोट, मां सीता की तरह दे रहा हूं अग्नि परीक्षा। आरजीकर मामले में 42 दिन बाद मेगा मार्च के बाद जूनियर डॉक्टर्स काम पर वापस लौटे। इमरजेंसी वार्ड में देंगे सेवाएं। कल जूनियर डॉक्टर्स ने 41 दिन बाद हड़ताल खत्म करने का किया था ऐलान।
इमरजेंसी सेवा को छोड़कर ओपीडी ओटी सेवा रहेगी बाधित। सरकार के मौखिक समझौते को लेकर डॉक्टर्स ने अभी भी असंतोष की स्थिति बरकरार रखी। लिखित एग्रीमेंट की मांग कर रहे हैं डॉक्टर। कोलकाता में स्वास्थ्य सेवाओं के बहाल होने से पहले शहर में निकाली गई विशाल मशाल रैली। सिविल सोसाइटी के लोगों ने मशाल रैली में बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। कोलकाता केस में संदीप घोष और अभिजीत मंडल को 25 सितंबर तक सीबीआई कस्टडी में रखा गया। नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की मांग पर 23 सितंबर को सुनवाई। सूत्रों के मुताबिक नार्को टेस्ट के लिए संदीप घोष को ले जाकर गुजरात ले जाना चाहती है सीबीआई। गांधीनगर से डीएफएस में करना चाहती है टेस्ट। पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान बयानों में पाया गया था विरोधाभास। हरियाणा चुनाव में उम्मीदवारों ने प्रचार में झोंकी ताकत। जलाना सीट से आईएनएलडी उम्मीदवार सुरेंद्र सिंह लाठर ने तेज किया प्रचार। सुरेंद्र सिंह लाठर लोगों से मिलकर जानते हैं उनकी समस्याएं। सरकारी नौकरी से वीआरएस लेकर राजनीति में आने वाले लाठर बेरोजगारी और विकास का उठा रहे हैं मुद्दा। हिसार की आदमपुर हॉट सीट से कांग्रेस उम्मीदवार चंद्र प्रकाश उठा रहे हैं स्थानीय मुद्दे। बीजेपी उम्मीदवार भव्य बिश्नोई से है मुख्य मुकाबला। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो हमारा मुख्य उद्देश्य होगा आदमपुर का विकास और 36 वर्ग की भलाई की योजना। करनाल के असंध विधानसभा पहुंचे बीएसपी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद का हरियाणा में आईएनएलडी और बीएसपी पूर्ण बहुमत से बनाएगी सरकार। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में फिश ऑयल और एनिमल फैट की मिलावट की बात सामने आई और अलर्ट पर देश के मंदिर। प्रसाद की शुद्धता को लेकर की जाने लगी जांच। काशी विश्वनाथ मंदिर में लड्डू को लेकर मंदिर समिति के अधिकारियों ने कसी कमर। ताबड़तोड़ शुरू किया निरीक्षण। मंदिर के अधिकारियों और कर्मचारियों का दल उस वेंडर के पास पहुंचा जहां मंदिर के लिए बनाया जाता है लड्डू। बाबा विश्वनाथ को भोग लगने वाले प्रसाद को मंदिर के पुजारी करते हैं तैयार। मंदिर से रोज करीब 1000 किलो महाप्रसाद लड्डू भक्त खरीदते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने लड्डू की सप्लाई की जिम्मेदारी दो वेंडर्स को दी। प्रसाद बनाने में इस्तेमाल होने वाले घी का लैब टेस्ट कराया गया। एक बार फिर से सैंपलिंग कराई जा रही है ताकि गुणवत्ता और शुद्धता को लेकर किसी तरह का कोई संदेह न रहे। अभी मैंने जहां हमारे पास एक रुद्रा डेयरी है उससे ये घी खरीदते हैं उसके हमने पूरी लैब रिपोर्ट मंगाई है। वो लैब रिपोर्ट इनकी ओके है, उसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं मिली है, लेकिन इसके बावजूद फिर भी हम एक बार दोहरे रूप से कंफर्म होने के लिए इनकी सैंपलिंग फिर से करा रहे हैं ताकि ये बिल्कुल क्लियर रहे और श्रद्धालुओं तक ये मैसेज बहुत स्पष्ट रहे कि काशी विश्वनाथ धाम में जो कुछ भी चढ़ता है वो उच्च गुणवत्ता पूर्वक है और हिंदू धर्म की आस्था से बिल्कुल हम वाकिफ। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में पशु चर्बी और फिश ऑयल की पुष्टि के बाद काशी के संतों में रोष। अखिल भारतीय व्यास संघ ने इसे करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ बताया खिलवाड़। ये सनातन धर्म के साथ जिस प्रकार से ये खिलवाड़ हो रहा है निश्चित रूप से निंदनीय और जो एक तरह से देखा जाए दुखद बात है। काशी के संतों ने प्रधानमंत्री मोदी से पूरे मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की ताकि भविष्य में मंदिरों के प्रसाद के साथ ना होने पाए किसी तरह की अशुद्धता। उज्जैन में महाकाल मंदिर में लड्डू बनाने के लिए मंदिर प्रबंध समिति बेसन के बजाय चने की दाल खरीदती है। उसे प्रसाद भवन में ही लगी चक्की में पीसा जाता है। महाकाल मंदिर समिति प्रसाद में शुद्धता बनाए रखने के लिए पूरी तरह से अलर्ट। शासकीय डेयरी का घी सांची या जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा अधिकृत ब्रांड का किया जाता है इस्तेमाल। शिरडी साईं बाबा मंदिर का लड्डू प्रसाद बनाते समय FSSAI के नॉर्म्स फॉलो किए जाते हैं। लड्डू बनाने के लिए देसी घी ड्राई फ्रूट्स का किया जाता है इस्तेमाल। तो बनाया जाता है उसके लिए पूरा हाइजीन जो है वो मेंटेन किया जाता है। FSSAI के नॉर्म्स जो है वो पूरे फॉलो किया जाता है। लड्डू का जो रेसिपी जो है उसमें गाय का शुद्ध दूध का जो पकली विलायती पाउडर विलायती दाना और चना डाल इसका इस्तेमाल किया जाता है। पटना के महावीर मंदिर में भी लड्डू प्रसाद बनाते समय शुद्धता का रखा जाता है पूरा ख्याल। लड्डू प्रसाद बनाने के लिए चना दाल खरीद कर अलग चक्की में पीसा जाता है।
आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू की संतों ने की तारीफ, बोले प्रयोगशाला में प्रसाद का परीक्षण करने के लिए धन्यवाद। तिरुपति बालाजी मंदिर प्रसाद मामले में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू से मांगी रिपोर्ट, जांच की कही बात। तो जैसे ही ये खबर मुझे मिली, मैंने चंद्रबाबू नायडू जी से बात की, उनसे मैंने डिटेल उसकी ली है और मैंने उनको कहा है कि आप तुरंत एक जो आपके पास अवेलेबल रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आप मुझे भेज दें, उस रिपोर्ट को मैं एग्जामिन भी करूंगा। तिरुपति मंदिर प्रसाद मामले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जताई नाराजगी, कहा दोषी को सजा देनी चाहिए, सीबीआई जांच की मांग की। सीबीआई के जांच के दायरे में आना चाहिए कि कितने रुपए का घी लिया गया, कौन चर्बी का घी क्यों लिया गया, और दूसरा प्रश्न, ये हिंदू धर्म के साथ घोर अत्याचार है। तिरुपति बालाजी के प्रसाद में मिलावट के बाद मथुरा में सनातन धर्म के लोगों का फूटा गुस्सा, देवकी नंदन महाराज ने कहा सनातन धर्म के साथ किया जा रहा है खिलवाड़। तिरुपति प्रसाद मामले को लेकर हरिद्वार समाज भी आक्रोशित, संतों ने बताया सनातन धर्म के खिलाफ साजिश। हरिद्वार के संतों ने आरोपियों को जेल भेजने की मांग की, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की भी मांग। तिरुपति मंदिर से दर्शन कर वापस लौटे भक्तों में भारी रोष, मिलावटी प्रसाद को बताया आस्था पर हमला। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में प्रसाद की गुणवत्ता का रखा जाता है खास ख्याल, शुद्ध देसी घी में बनता है बप्पा का लड्डू। मंदिर परिसर में ही बनता है सिद्धिविनायक मंदिर का प्रसाद, रोजाना बनते हैं 40 से 50 हजार लड्डू। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट कर राहुल गांधी की भी आई प्रतिक्रिया, कहा यह मुद्दा हर भक्त को आहत करेगा। केंद्र सरकार को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका, केंद्र सरकार नहीं बना सकेगी फैक्ट चेक यूनिट। सोशल मीडिया पर फर्जी और भ्रामक सूचनाओं की पहचान के लिए फैक्ट चेक यूनिट बनाने की केंद्र ने दी इजाजत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने बताया असंवैधानिक। भर्ती प्रक्रिया सशक्तिकरण की ओर से बड़ा कदम, राजस्थान लोक सेवा आयोग को मिली अभ्यर्थियों के बायोमेट्रिक सत्यापन की अनुमति। एनआईए की पंजाब में छापेमारी, आतंकी साजिश मामले में गुरपतवंत सिंह पन्नू से जुड़े ठिकानों पर हुई रेड। बीकानेर में भारत अमेरिकी सेना का संयुक्त युद्धाभ्यास, सैन्य अभ्यास के दौरान एक दूसरे से अनुभव साझा करते दिखे दोनों देशों के जवान। लद्दाख में भारतीय सेना ने हिमटेक 2024 कार्यक्रम का किया आयोजन, एआई टेक्निक हथियारों की प्रदर्शनी, सैन्य अभियानों में क्रांतिकारी बदलाव की दिखी तस्वीर। हैदराबाद में एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़े केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, पौधारोपण कार्यक्रम में लोगों को पर्यावरण बचाव का दिया संदेश। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ईएसआईसी के जरिए संचालित अस्पताल का उन्होंने दौरा किया, डॉक्टर समेत नर्स के कार्यों को सराहा। इटावा में पेरिस पैरालंपिक विजेता अजीत सिंह के लिए सम्मान समारोह का आयोजन, लोगों ने फूलों की माला पहनाकर किया स्वागत। रांची में आईसीएआर के शताब्दी समारोह को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया संबोधित, मंच पर साथ नजर आए सीएम हेमंत सोरेन समेत राज्यपाल संतोष गंगवार और बीजेपी प्रभारी शिवराज सिंह चौहान। रांची में हजरत कुतुबुद्दीन रिसालदार शाह बाबा की मजार पर पहुंचे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, चादर चढ़ाकर की इबादत। अमरेली में सीएम भूपेंद्र पटेल ने सावरकुंडला में भूमि पूजन समेत कई विकास परियोजनाओं की रखी आधारशिला, रेलवे ओवरब्रिज को हरी झंडी दिखाई। उज्बेकिस्तान में होने वाले किकबॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए वडोजरा के चार मुक्केबाजों का चयन, रिंग पर दम दिखाने के लिए दिन रात पसीना बहा रहे हैं लिटिल बॉक्सर्स। मार्शल आर्ट की दुनिया में श्रीनगर की बेटी कर रही है कमाल, नेशनल और इंटरनेशनल प्रतियोगिता में ईरा के नाम ढेरों रिकॉर्ड दर्ज, 8 साल की उम्र में ईरा ने शुरू की मार्शल आर्ट की जर्नी। दिल्ली में फोर्टिस अस्पताल ने लॉन्च किया एडवांस ऑटो सेंटर, महाधमनी संबंधी रोगों के इलाज में होगा सहायक। सप्ताह के सातों दिन ऑटो सेंटर में होगा काम, सोमवार बुधवार शुक्रवार को मिलेगी ओपीडी क्लिनिक की सुविधा। बठिंडा में किसान पारंपरिक खेती छोड़ कर रहे हैं अमरूद और गन्ने की ऑर्गेनिक खेती, बाजार में ऑर्गेनिक फलों और सब्जियों की भारी डिमांड। रेसलर रिंकू सिंह ने वाराणसी में बाबा विश्वनाथ और काल भैरव के दर्शन किए, लगातार लगाए जयकारे, लिया भगवान का आशीर्वाद।
गुजरात में अंबाजी के मंदिर में निभाई 150 सालों पुरानी प्रक्षालन परंपरा। अहमदाबाद से आए सोनी परिवार ने साफ किए माता के गहने।